नमस्कार मित्रों, इल्मिन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने देखा रामनाथ कोविंद आयोग का गठन किया गया था, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था जिसका काम ही था कि पूरे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट देना था। सरकार उस आयोग के द्वारा रिपोर्ट सौंप दी गई है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वर्ष 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन के फार्मूले पर ही चुनाव कराए जाएंगे। इस पर हमने विस्तृत वीडियो बनाया है, उस पर आप देख सकते हैं। हमारे इल्विन क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इस वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज यह मुद्दा क्यों फिर चर्चा में आ गया है? चर्चा में इसलिए आ गया है कि एक दो दिन पहले वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, अर्थात आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अभिकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सके। बहरहाल यह भारत में पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले वर्ष 1967 तक ऐसी व्यवस्थाएं की जाती थी कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने लगे थे। क्या क्या व्यवस्थाएं आई उसके बारे में तो बहरहाल बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम पूरे इस वीडियो सेशन में जानेंगे कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन की राह कितनी आसान है और कितनी कठिन है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। कैबिनेट क्लियर्स वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल, कैबिनेट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के प्रपोजल को, प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, इसलिए यह पूरा मामला चर्चा में है। आइए बात कर लेते हैं रामनाथ कोविंद समिति की। रामनाथ कोविंद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, तो 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनाई गई थी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। इस कमेटी ने इसी साल अर्थात वर्ष 2024 में 14 मार्च को अपनी रिपोर्ट दी है। और रिपोर्ट किसको सौंपी है? वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, उनको इन्होंने, रामनाथ कोविंद आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अब यह 191 दिनों तक कई विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों के लोगों से चर्चा के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट है। बहुत लंबी रिपोर्ट है। सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक करने का सुझाव दिया गया है। इसमें यह दिया गया है कि जिस राज्य की विधानसभा में चुनाव 2027 में होने हैं, 25 में होने हैं, 26 है, उनका कार्यकाल बढ़ाकर 2029 कर दिया जाए, ऐसा इस कमेटी का प्रस्ताव दिया गया है। और अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही इनके चुनाव भी कराए जाएं। हम जानते हैं कि वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, फिर 2029 में होने हैं, तो इस कमेटी का जो रिपोर्ट आया है, जो सुझाव आया है, वह यह कह रहा है कि जिन राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होने हैं उन विधानसभा चुनावों को हम रोक देते हैं और एक ही साथ अर्थात केंद्र का चुनाव अर्थात संसदीय चुनाव जो होते हैं और विधानसभाई चुनाव दोनों एक साथ करवाए जाए। एक साथ अगर चुनाव होंगे तो उसके क्या फायदे होंगे, क्या फायदा है एक साथ चुनाव कराने का? तो चुनाव होने पर होने वाले करोड़ों रुपए के खर्च में कमी आएगी। चुनाव होने पर बार बार चुनाव होता है तो जनता का पैसा जाता है, तो करोड़ों रुपए खर्च कम होंगे। बार बार चुनाव कराने की जटिलता से मुक्ति होगी। प्रशासन चुनाव की जगह विकास पर ध्यान देगा। जो प्रशासन बार बार चुनाव में संलिप्त हो जाता है, लोगों को लगाना बहुत बड़ा काम होता है, बहुत कठिन काम होता है, तो प्रशासन अन्य विकास के मुद्दों पर अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को लगाएगा। बार बार आचार संहिता का असर पड़ता है काले धन पर, इससे लगाम लगेगा। 32 राजनीतिक दलों का इसको समर्थन मिला है। जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर 62 पार्टियों से संपर्क किया था, 62 पार्टियों से संपर्क किया गया था एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर। जो कोविंद समिति बनी थी उन्होंने किया था, उसमें 32 राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने विचार का समर्थन किया, 15 दलों ने इसका विरोध किया और 15 पार्टियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये पूरा मामला रहा। तो क्या एक ही चरण में यह चुनाव हो जाएंगे? नहीं, देश भर में दो चरणों में चुनाव कराने का भी सुझाव दिया गया है कि पूरा भारत मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में दो चरणों में चुनाव संपादित करा दिए जाए, ऐसा सुझाव दिया गया है। पहले चरण में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर ही स्थानीय निकायों के चुनाव करवाए जाए। स्थानीय निकाय मतलब पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहा है कि लोकसभा के चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ करवा दीजिए और उसके 3 महीने के भीतर ही किसका चुनाव करवा दीजिए, ग्राम प्रधानी का, नगर निगम का, ये जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं इनको आप संपादित करवा दीजिए। चुनाव आयोग एक ही वोटर लिस्ट तैयार कर सकता है। चुनाव आयोग के पास यह भी है कि वह इसके लिए, चूंकि 100 दिनों के अंदर दोनों तीनों चुनाव होंगे, तो एक ही वोटर लिस्ट चुनाव आयोग तैयार कर सकता है।
साथ ही सुरक्षा बलों, प्रशासनिक स्तरों, कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए एडवांस में प्लानिंग करने की सिफारिश की गई है कि एडवांस में इसकी व्यवस्था करिए, प्लान तैयार करिए, योजना बनाइए, ताकि अगर एक साथ एक देश में चुनाव होते हैं तो उसको हम सकुशल संपन्न करवा सके। रिपोर्ट में हंग असेंबली और अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति को लेकर भी सुझाव दिया गया है। जो हंग असेंबली होगी और अविश्वास प्रस्ताव, इसको भी लेकर सुझाव दिए गए हैं कि अगर मानिए कि एक साथ लोकसभा का भी चुनाव हो गया, राज्यों के विधानसभाओं का भी चुनाव हो गया, मान लीजिए कि लोकसभा में सरकार जो विश्वास मत खो देती है या किसी राज्य में विश्वास मत कोई सरकार खो देती है तो उस स्थिति में क्या होगा, तो इसके लिए भी क्या बताया गया है, उस समिति ने सुझाव दिए। इलेक्शन के लिए कानून की अगर बात की जाए तो कानून बनाने के लिए संसद में पास कराना होगा, कानून बनाने के लिए संसद में एक विधेयक पास करवाना होगा जिससे इस प्रकार की व्यवस्था भारत में पुनः लागू की जा सके। संविधान संशोधन किया जाएगा, संसद के विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% से ज्यादा और सदन में जितने मौजूद होते हैं और वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस प्रकार विशेष बहुमत के द्वारा इस प्रकार का बिल पास हो। साथ ही साथ संसद से पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं का भी अनुमोदन होना चाहिए, और यानी 15 राज्यों की विधानसभाओं से भी इस बिल को पास करवाना जरूरी है, जो अभी बहुत ही कठिन दिखाई दे रहा है। ये आज के अगर वर्तमान परिवेश की बात की जाए तो भले ही लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से बिल को पारित कर भी दिया जाए, पास हो भी जाए, लेकिन राज्यों में इसके पारित होने की संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है। आगे की राह क्या होगी, आगे की राह की अगर हम बात करें तो जो हमारा संवैधानिक संशोधन है एक साथ चुनाव कराने के लिए, अर्थात राज्य के विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ और उसके 100 दिनों के अंदर ही पंचायत वाले जो चुनाव है उनको करवाने के लिए संविधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए प्रक्रिया नियमों में संशोधन किया जाना आवश्यक है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और इस प्रकार के जो इससे संबंधित विधेयक है, नियम है, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के प्रक्रिया नियम में संशोधन किया जाना आवश्यक होगा। बिना इसके संशोधन के इस कार्य को हम लोग मूर्त रूप नहीं दे सकते हैं। इस विधिक ढांचे में समकालिक मतदान की विशिष्ट आवश्यकताओं को समायोजित किया जाना चाहिए। हाँ, मान लीजिए कि भारत में एक ही साथ लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हो गए, उसके बाद पंचायतों के चुनाव हो गए, लेकिन खुदा ना खास्ता किसी राज्य की सरकार अपना विश्वास मत खो देती है, उस समय स्थिति क्या होगी? केंद्र की सरकार अगर अपना विश्वास मत खो देती है उस समय स्थिति क्या होगी? यह एक दुरूह प्रश्न है। इस पर भी बात करता है कि आकस्मिकताओं के लिए विधिक ढांचे की व्यवस्था। अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन इसको कहते हैं, समय पूर्व विधानसभा विघटन की बात करते हैं, त्रिशंकु संसद जैसी आकस्मिक से निपटने के लिए एक विधिक ढांचा होना चाहिए, अवसंरचना में निवेश करना चाहिए, जागरूकता और मतदाता शिक्षा बढ़ाना चाहिए, तभी यह काम सकुशल हो पाएगा। ये रहा पूरा भारत में कैबिनेट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन की मंजूरी मिलने के बाद यह पूरा मामला पुनः चर्चा में आ गया है। राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने विचार हैं, लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी मिल जाने के बाद इस दिशा को ज्यादा ही बल मिल गया है और ऐसी संभावना ही जता सकते हैं, जताई जा रही है। आगे क्या होगा यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि एक साथ चुनाव होंगे या नहीं होंगे, या आने वाला समय बताएगा। ये रहा वन नेशन वन इलेक्शन पर पूरी बात। अगर आप इससे जुड़े रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को समझना चाहते हैं तो हमारे इलविन क्लासेस चैनल पर जाइए, इसके डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप चाहें तो यहां से भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इलविन क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।